हेलो दोस्त, आपको कैसे फ़ोटो एडिट करने के लिए सिखाता हूँ आपको। आज बताने वाला हूँ मैं वीडियो में सुन तक बन रही है आपको। वीडियो अच्छा यूज होने वाला है, आप फोटो एडिट बहुत अच्छा होगा आपको। तो वीडियो में सुन तक बन रही है, देख सकते हैं फ़ोटो कितना अच्छा दिख रहा है आपको। देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, फ़ोटो देख लीजिए, ओरिजिनल और बना हुआ फोटो देख लीजिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो ऐसे ही फ़ोटो एडिट करने के लिए आप वीडियो में सुन तक बन रही है। चलिए मैं स्केचबुक में चलता हूँ। तो दोस्तों मैं ऐड कर लिया स्केच बुक में फ़ोटो को। चलिए मैं फ़ोटो को बनाता हूँ। आज वीडियो बहुत ही अच्छा बनने वाले हैं, फ़ोटो अच्छा बनेगा आपको। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिएगा। चलिए मैं एडिट करना चालू करता हूँ। स्केच मारता हूँ पहले। स्केच मारने के लिए आपको कौन सा ब्रश लेना है, इस पर क्लिक करना है। टूल्स का ऑप्शन पाना है। टूल्स का ऑप्शन पाने के बाद देखा सकते हैं ये ब्रश लेना है आपको। ये ब्रश ले लेना है, देख सकते हैं। यही सेटिंग देख लीजिए, सेटिंग इतना इतना रखना है। साइज हो आप माइनस प्लस कर सकते हैं। इसके बाद एक और टूल्स के ऑप्शन पर जाना है। टूल्स के ऑप्शन पर जाने के बाद इसको मैं टूल्स को ले लेता हूँ, देख सकते हैं। देख सकते ले लिया मैंने टूल्स का। उसके बाद थोड़ा साइज को बढ़ाता हूँ। साइज को बढ़ाने के बाद थोड़ा सा स्केच कर देता हूँ। ज़्यादा हो गया मोटा, थोड़ा सा पतला ही रखना है ताकि अच्छा लगे देखने में। देख सकते हैं इतना हो गया। इतना होने के बाद एक और स्केच मारना है इधर, एक और इधर नीचे मार दे रहा हूँ। इतना होने के बाद आंखों को ऊपर थोड़ा सा स्केच मारना है। साइज को माइनस थोड़ा सा कर देना है, हो गया। देख सकते हैं मेरा स्केच हो गया। इतना होने के बाद फेस पे थोड़ा सा लाइट लाना है। फेस पे लाइट लाने के लिए कौन सा टूल्स को आपको प्रयोग करना है, पहले टूल्स को लेने से पहले आपको एक लेयर बनाना है। लेयर बनाने के लिए लेयर पे क्लिक करना है और प्लस को क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करके इतना होने के बाद फिर से टूल्स पे जाना है। कौन सा ब्रश लेना है आपको बताता हूँ मैं। देख सकते हैं ये वाला ब्रश लेना है आपको। यह ब्रश ले लेना है और यह ब्रश लेने के बाद टूल पे क्लिक करना है। फिर से जो लिए हैं उस पे क्लिक करते हैं। आपको कलर सिलेक्ट करना है वाइट। आप कलर सिलेक्ट करता हूँ मैं, वाइट कर दिया। वाइट कर दिया मैं। साइज को बढ़ाता हूँ थोड़ा। इतना होने के बाद फिर लेयर पे आना है। लेयर पे क्लिक करके जो लेयर लिए हो ना इस पर क्लिक करना है। और देख सकते हैं ये नॉर्मल वाला क्लिक दिखाई दे रहा है ब्लेंडिंग पे, इस पर क्लिक करना है। नीचे आने के बाद सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं इतना अच्छा दिख रहा है। और इसके बाद फेस को अच्छा से कर देना है। चलिए मैं कर देता हूँ। सबको ऊपर अच्छे से लगा कर देना है ताकि आपका फेस अच्छा दिखे, गोरा हो जाए थोड़ा। चलिए मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। आप अच्छे से करिएगा, नहीं तो वीडियो फोटो अच्छा नहीं बनेगा। देख सकते हैं इतना हो गया। इतना होने के बाद फेस को स्मूथ करना है। कौन सा टूल्स लेना है इस पर क्लिक करना है। टूल्स का क्लिक कर दिया मैं। उसके बाद ब्रश कौन सा लेना है, ये ब्रश लेना है।
और ये सेटिंग देख लेना है कितना सेटिंग रखा हूँ मैं। देखो सेटिंग सेटिंग देख लीजिएगा अच्छे से, स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं सेटिंग को। और स्मूथ करना है, स्मूथ करने से पहले लेयर पे है ना ओरिजिनल फ़ोटो पे कर देना है, उसके बाद स्मूथ करना है। देख सकते हैं मैं स्मूथ कर दे रहा हूँ, जल्दी स्मूथ कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं मेरा हो गया स्मूथ। इतना होने के बाद थोड़ा हेयर को अच्छा करना है, हेयर अच्छा करने के लिए कौन सा टूल्स लेना है मैं बताता हूँ मैं आपको। कौन सा ब्रश लेना है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। टूल्स पे जाना है, टूल पे जाने के बाद ये देख सकते हैं ये ब्रश लेना है और सेटिंग देख लेना है अपने मन से, जितना मन उतना रख सकते हैं आप सेटिंग को, साइज को। और फोटो को थोड़ा सा जूम करना है और उसके बाद ऐसे आपको कर देना है। देख सकते हैं मैं कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं हेयर को ऐसे ही कर देना है आपको, हेयर का ऐसे ही बना देना है ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे फोटो। देख सकते हो गया मेरा इतना। ना होने के बाद जाना है लाइट रूम एप्लीकेशन में, इसको सेव कर देना है लाइट रूम एप्लीकेशन में, शेयर करना है। देखिए मैं शेयर करता हूँ, देख सकते हैं मैं लाइट रूम एप्लीकेशन में ऐड कर लिया फ़ोटो को। इसमें एक प्रीसेट लगाना है, जो प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरा प्रीसेट है, कॉपी करने के लिए कॉपी करने का पता ही आपको, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, कॉपी का ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद डन कर देना है। डन करके ये देख सकते हैं फ़ोटो को पेस्ट करते हैं, आपको पता होगा पेस्ट कैसे करते। पेस्ट करके देख सकते फोटो मेरा हो गया है, बन गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।